ओ वो काला भैंसा खतरनाक है बहुत। जब मैं जा रहा हूं मेरे को नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना। गेम छुपित्र में हूँ आरजी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम खेलने वाले हैं मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड और ये है पार्ट 15। अगर आपने पार्ट 1-14 नहीं देखा तो मेरा थोबड़ा भी नहीं दिख रहा, मैं बोल भी नहीं सकता। ऊपर कोपचे में देखो, ऊपर अभी अभी कार्ड फ्लैश हुआ होगा, आपको उधर मॉन्स्टर हंटर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर जाके देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि लास्ट टाइम आपको मालूम होगा, हमने हंट कर लिया था रैथियन को, सॉरी मतलब कि रैथलोस को। आई थिंक दोनों थे ना, चलो कोई नहीं, लाल ड्रैगन को अवेलेबल। उसको हंट करने के बाद हमको उसका पूरा आर्मर सेट मिल चुका है और हमने उसके दो आर्मर पीसेस बना लिए। तो गाइस ये जो पहला आर्मर सेट है ये एकदम बहुत ही कांटे वाला है, एकदम खतरनाक दिख रहा है। और मैंने दूसरा आर्मर सेट बनाया फीफी के लिए, तू तो और डेंजर दिख रही है फीफी, बहुत सही, एकदम सेम टू सेम मैच कर रहे हैं हम दोनों के कपड़े। और तो और एक और नई चीज, आज हम नया वेपन यूज करने वाले है, ये है स्वॉर्ड एंड शील्ड। आपको देख के लगा भाई के? रुको जरा, सबर करो। Don't underestimate the power of a sword and shield, guys. तो चलो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं, guys. एक मिनट. इसको शुरू करने से पहले, barrel bomb ले लेते हैं। आज नहीं भूलना वाला, आज तो मैं नहीं भूलूंगा इसको। अरे खाना ठूसना कैसे भूल सकते हैं? चलो इधर से पहले एक काम करता हूँ, इधर रोप पे लटक के पहले खाना ठूस लेता हूँ, उसके बाद सीधा उधर चलते हैं क्वेस्ट पे। ये हुई ना बात। चलो अब हम रेडी है गाइस, लेट्स गो। ओके, पता नहीं क्या हुआ, साथ साथ बोले। ये क्या है? स्क्रीमर, ये स्टेमिना इजी रेशन। ओके हंटर डियाब्लोस। ओके तो हमको भाई खुद मैन्युअल इसको सर्च करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले इधर से अपना मेन रास्ता पकड़ लेता हूँ डेजर्ट का। ये डेजर्ट के इलाके में मैं वेब से तो काफ़ी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया तो है वो कहाँ होगा, पर तब भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं हर जगह पे जाके। इधर तो मड एरिया है ना, ये किसका है? अरे नहीं ये तो बैरथ का, इधर इस एरिया में नहीं होगा। इधर से एक काम करते हैं, ये बीच पे पहाड़ के बीच से निकलते हैं और पानी के पीछे वाले एरिया में से तो भाई वो मच्छर। ओए हेलो, हाउ आर यू? ये क्या चीज है भाई? कोई नहीं, चलो बाद में मिलूंगा तुझे को। बहुत सही था, ओल्ड फुटप्रिंट्स। चलो ये तो बैरस के, पर ये कुछ अलग है, शायद यहां से डियाब्लोस के मेरे को सुराग मिलना शुरू हो जाएंगे। काफी जल्दी मिल गया, मेरे को लगा नहीं था इतना जल्दी मिलेगा मेरे को। ये पक्का डियाब्लोस के ही लगते हैं मेरे को वैसे तो। ये क्या है? कटसीन आ गया, अब कोई कांड होने वाला है मेरे को लगता है, अब तो कोई कांड होगा पक्का। चमगादड़ उड़ते हुए आएगा क्या? पैरोथ आ गया। गुड चॉइस, ये उंगल किए बिना कैसे रह सकते हैं? आजा बैरथ, घुस जा। ये क्या हुआ, सब चीखने लगे? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये बेहोश करने वाले हैं? एक मिनट, पूरी जमीन डर रही। ओ भाई ये क्या था? ओ बैरोस को पूरा उठा के पटक दिया भाई, ये क्या चीज है भाई? डियाब्लोस पागले एक्टर हो, रेत का दलदल बने थी वो गड्ढा कर दिया। बच गया क्या? रेत में डस गए पूरे। आस पास ही कोई बैरथ को वन शॉट कर दिया।
क्या चीज, ओ डियाब्लोस, ओ डियाब्लोस आ गया नहीं भाई, बहुत ही भयानक दिखने वाला है ये भाई। ओ वो काला भैंसा खतरनाक है बहुत। ये मैं जा रहा हूं, मेरे को नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना। ओ भाई कितना ज्यादा डैमेज किया मेरे, एक बार में 25% ऑलमोस्ट हेल्थ खाली कर दी। फी थैंक गॉड, नेवर माइंड फीफी, तू रहने दे। उठ अबे, ने चांस ही नहीं दे रहा मेरे को। ए मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये अग्रेसिव क्यों खेल रहा है भाई, स्ट्रीट चार्ज कर रहा है, चार्ज पे। एक मिनट में पहले ये ठूस लो अपना हीलिंग पोशन। अरे भाई ये तो ड्रिफ्ट मार रहा है ये तो। ओके, इसका वीकनेस गले के नीचे। यस, चलो थोड़ा तो डैमेज हुआ। वन, इल्ला मत, परफेक्ट चांस। यस, ये मेरा बाल। फीफी को चक्कर आ गए। फीफी, ओए फीफी। अरे यार, किधर गया मेरा पोशन किधर है? अबे मेरा पोशन किधर है? मेरा टूट गई। ये क्या हुआ? पक, मैं नहीं फंसने वाला तेरे इन चालकों में। ऐसा वैसा हंटर तोड़ियो, वर्ती हंटर हूँ, आजा। किधर गया? चार्ज पे चार्ज। इतना चार्ज अगर मेरे को करता, मेरा फोन की बैटरी 10,000 mAh होती साले। अब तो रुक जा। मेरे को हीलिंग, फटाफट हीलिंग करनी पड़ेगी। यार कितना डैमेज करता है यार। ये फ्लैशबग तो इधर ही, एक काम करता हूँ ना, इसको इसी पे फंसा देता हूँ। ओए गेंडू, ये ले। अब आया ना, मैं किसको मार रहा हूँ रे? वे यार, बैरोस की डेड बॉडी मेरे बीच में आ गई है। अबे हिल। ओके, नॉट बैड, नॉट सो गुड। अरे यार, अरे हिलना बंद करना यार, क्या कर रहा है? फाइनली, इसका स्टेमिना रन आउट हो गया लगता है। चलो अपना पूरा कॉम्बो मैक्स करने का यही चांस है। अरे यार, वंस मोर। नहीं, मैंने ऐसा क्यों लगता है मैंने वो वेस्ट कर दिया। शिट। बगले। ओ भाई बच गया। ओ भाई ऑलमोस्ट पे भी कुचल देता वो मेरे को। फीफी तू ये क्या कर रही है? ठेला लेके क्यों बैठी है? अबे फीफी घट जा। फीफी क्या कर रही है यार? अब मैं क्या कर रहा हूँ यार? अब चलो पहले स्नीकर है। शेट, वो वापस आ रहा है ऐसे घुसते हुए। मेरे को नहीं, फीफी को तो पूछ लिया। शेट, मैं ऑलमोस्ट 1 HP हूं, मेरी ऑलमोस्ट 1 HP है। फीफी बचा मेरे को, फीफी। ये क्या किया फीफी ने? अरे एक मिनट, मैं बच गया। फीफी, ये हुई ना बात। फीफी ने मेरे को बचा लिया। ठूस ले, फटाफट स्किल ठूस। आजा, अब इधर आ। और एक फ्लैश मेरे को इधर मांगना पड़ेगा। इधर। ओए, भाग मत। अबे परफेक्ट लोकेशन है यार ये लड़ने के लिए, इतना ओपन एरिया में। अब किधर जाएगा ये? शिट, स्टिंगर है, मैं थोड़ा उठा लूँ। मेरे को लगता नहीं ये इतना जेड टिक पाएगा अब तो। चलो मैंने इसको पावर शॉट पे इक्विप कर दिया है। ये हुई ना बात। ओके, नाइस। उसको लगा, मेरे को भी लगा। रुको, मेरे को कौन से पॉट मारने चाहिए इसको?
ये कहाँ गायब हो गया? ये कहाँ गायब हो गया? अच्छा हाइड एंड सीक खेलना है तेरे को? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई तेरे को इसको इसके मूव सेट समझने पड़ेंगे यार। बहुत सारा अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। एक बार इसका स्टैमिना एक ही बार अभी तक रन आउट हुआ है। मिड एयर में मेरे को कैसे मार सकता है बे? बच गया, नहीं बचा, नहीं बचा, ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मैक्स पोशन जल्दी, पहली बार मैंने यूज किया आज तक, ओप शायद आखिरी बार होगा। अच्छा इतना ही तेरे को चार्ज करने का शौक है ना, अब आ। ए हे तू मेरे को नहीं मार पाएगा, ए आ जा इधर इधर। बहुत चालाक है साला, अभी अभी इधर मार 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 ना, क्या हुआ? अबे फटा क्यों नहीं, अबे फटा क्यों नहीं? इधर 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 इधर, कर क्या रहा है यार? तेरे सामने इधर बम रखा है, आ इधर फटना। अबे फटता ही नहीं है। ओके फटा, नाइस 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 नाइस, बाय बाय। सच्ची में नहीं जाना था यार तेरे को। ओ कुछ कांड होगा, भाग पगले 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 पगले। ओ गॉड बच गया, तब भी बच गया, क्लोज कॉल थी। अरे किधर गया वो टूल्स, किधर है मेरे? पीछे देख पीछे देख। ओपे फीफी ने उसका स्टैमिना खत्म कर दिया। नाइस फीफी, नाइस वर्क, तेरा प्रमोशन पक्का हो। फीफी तो मेरी जॉब छीन रहेगी। अबे ये इसके ऊपर क्यों असर नहीं हो रहा यार बिल्कुल? ओए पीछे देख। यस 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 यस, अभी चांस है मेरे पास। इसकी पूछ बहुत सख्त है भाई। अबे यार मेरे को स्टैगर क्यों करता है यार? भगले भगले भगले, बच गया बच गया बच गया। ये लास्ट फ्लैश बैंक था मेरे पास। ये उड़ा बाहर, ये ले पूरी पूछ ही काट देता है पहले। नहीं यार आउट ऑफ रेंज क्यों है यार इसकी? नाइस, और एक स्टैगर हो गया। इसके पैर के ऊपर वीकनेस है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, ब्लंट डैमेज हो रहा है इसको। भागना मत। अबे यार भग गया, स्टैगर करके भग गया। कोई बात नहीं फीफी, गुड जॉब, तूने काफी अच्छा खेला फीफी यार। अच्छा खासा उसको स्टैगर कर दिया, मेरे को एक मारने का मौका भी मिल गया था उधर। और क्या क्या है इधर? नल पे, ओ ये इधर ही आ गया, अब काम हो गया। एक और इधर फ्री का फ्लैशबैक पड़ा है, स्लिंगर टॉर्च है वो। आ जा, नहीं 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 सेकंड, एम किया क्यू। यस बहुत तेरे को धीरा है, बहुत तेरे को धीरा भाई। उसके सीन तोड़ दिए भाई, ये क्या था? उसका सिर टूट गया। नाइस, अरे नहीं नहीं नहीं, बच गया बच गया। इसको क्लोज रेंज में वापस लपेटना पड़ेगा। बहुत सही खेल रहा हूं मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कितनी पूछ मारता है तू। नाइस, मेरे पास एक और मौका है, अब नहीं हारना भाई मेरा पूरा। ओ नाइस नाइस, अब ओके लास्ट मौका मेरे पास। अरे मेरे पास एमओ ही नहीं है, पर मेरे पास एमओ ही नहीं बचा था। फक आ शिट, ये वी गो अगेन, मेरे पास एमओ ही खाली हो गया यार, मैं क्या करूं? मेरे पास अच्छा खासा मौका था, वो भी मेरे मिस कर दिया। अबे एक लड़ी है, क्या है स्टिकर एमओ यार? ओके नाइस नाइस, एक ही टॉर्च पॉड एक ही बचा है वो भी। अच्छा अबे जल्दी जल्दी, कितना स्टन मारेगा यार? मेरे पास हेल्थ ही बहुत कम बची है, जल्दी हट जा। ये जो भी मौका है आखिरी मौका, मेरे को कहीं से एमो का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मेरा हेल्थ भी पूरा पड़ेगा। किधर है मेरा फर्स्ट एड? नहीं,
इसकी पूंछ एक तो मेरे को बहुत एनोइंग लगती है। एमो ड्रॉप कर, एमो ड्रॉप कर। नाइस, ये बिना बात अरे मेरे पे आ गया, इसका टारगेट मेरे पे सेट हो गया। चलो एटलीस्ट हमको एमो तो मिला। आजा आजा, इसके आर पार आके दिखा। चल इसका भाई पूरा वो काट डाला, भाई काट डाला, उसकी पूंछ कट गई। ये हुई ना बात, पूरा कॉम्बो इसके मुंह पे। वंस मोर मैं और एक बार कर सकता हूं। मुंह पे चढ़ गया भाई, डबल, उसका डबल थे हॉर्न तोड़ दिए। वंस मोर अरे यार मेरा एमओ खत्म हो गया, मेरा एमओ खत्म हो गया। नहीं नहीं ओए, उसने खुद को ही नॉक आउट कर लिया। ये हुई ना बात। ओके ट्रिपल रेज आ गए इसको भाई। पगले इधर से, मैं पूरा कॉम्बो वेस्ट किए जा रहा हूं यार। मेरे पास ना तो इसका वो है, एमओ ही बचा। मेरा सब एमओ क्यों इतनी जल्दी ड्रेन होता है। ये चढ़ गया इसके ऊपर, माउंट कर दिया। ये हुई ना बात, ये तो बोनस है गया भाई, बोनस। आए हाय, ये हुई ना बात। ऑलमोस्ट देयर। इसका पूरा रेज के अंदर हमने उसको माउंट किया है, तो लगता है इसका जल्दी स्टैमिना रन आउट हो जाएगा। तो मेरे पास एमओ भी नहीं है, फटाफट जल्दी फ्यूरी इसके ऊपर चार्ज करें भाई। ट्रिपल स्ट्राइक, ये नाम तो मेरे को यही चाहिए था। यस। तेरे सींग नहीं बचेंगे। बाकी बात ए लगड़ाने लगा। कोई नहीं, एटलीस्ट चलो एमओ आ गया। थ्रोन पॉट्स स्टिकर थ्रोन, नेवर माइंड, काम करता पहले इस। अरे भाई आपको वुफ की पूछ मिल गई, ये हुई ना बात। सो रहा है भाई, परफेक्ट चांस इसी मोमेंट के लिए तो मैंने बचा के रखा था बैरल बॉम्ब। गुड मॉर्निंग, नोप। फीफी ये तूने क्या किया, वो क्या उसको हिट किया था भाई उधर, उसने क्या, वो क्या चीज थी जिसने इसको हिट किया जिससे वो साला उठ गया। इतना अच्छा चांस चला गया मेरा भाई, ये ड्रिफ्ट मारता हुआ आता है पूरा। ए, मेरा एमओ भी खाली हो गया यार, रेज में भी आ गया। नहीं शिट, अब ये रेज में आ गया, मेरे को इससे डिफेंड करने का कोई चांस नहीं। डबल रेज में कैसे आ गया। ओके तू फॉल्स चार्ज करके मेरे को डरा रहा है क्या। मैं मिस कर दिया, उसके बीच से निकल गया, हट, मेरे को मारने आया बड़ा। एक बार हाथ तो लग जा। ओके मेरे को बस ये क्या चीज इसके ऊपर चिपकी हुई है। भग, मेरे को जाता हूँ, क्या होने वाला है। अरे यार कोपचे में दबा दिया मेरे को पूरा, फटाफट मेरे स्केल्स किधर स्केल। रुक जा फीफी कंट्रोल, अब ये सही मौका नहीं है, बहुत चार्ज करता है। फटा? यस! First Liberian says he wants to talk to the conqueror of the ecosystem. That's you. Conqueror of the ecosystem, भाई हो क्या काम? Conqueror of the ecosystem, ये हुई ना बात। अरे फीफी तू भी फ्लेक्स कर ले थोड़ा, आज तो भी अवार्ड मिलना चाहिए। ओ भाई अब मजे आ गए यार इससे लड़के, और ये पहली बार हुआ है कि मैं किसी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ा और मरा नहीं। इसकी मुंडी किधर गई? नेवर माइंड, लगता है इसकी मुंडी अपने पहाड़ में घुसेड़ दी। सॉरी ओ भाई।
अरे पीपी तो देखो कैसे फुदक रही है, खुश हो गई बहुत। Yes, I proved myself. Now you may know the secret of the dragon that carries a mountain of a fire on its back. इसके अंदर जो fire on the back का mention किया गया, इसका मतलब Zora Mangturus जो वो volcano अपने पीठ पे लेके चलता है, वो मतलब कि ये बड़ा Godzilla जानता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो इस तरफ आ रहा है। Okay, वो अपना रास्ता भटक गया है। Now अपने साथ life energy लेके चलता है। Okay. अब मेरे को थोड़ा समझ आ गया कि क्या होने वाला है आगे। Everyone, please, quiet down. Let's review our current situation. Thanks to the Fifth Fleet's diligent efforts, we've learned a number of things. One, that Zora Magdaros is heading for the Everstream. Two, that upon its death, it'll release the bioenergy it has stored. And three, that the Everstream is connected to every corner of the New World. So, if Zora dies inside the Everstream, its bioenergy will blast us all to hell. Commander, the Commission should make evacuation its first priority. I'll tell my sister to prepare her airship. There's no time. We don't have any choice but to take down Zora Magdaros. What? Blowing ourselves to oblivion is not what we're trying to do. Correct. And the whole reason we're here is to study the beast's role in the ecosystem. Not erase it from the ecosystem altogether. I think I might have an alternative. What if we tried to lure it away from the Everstream somehow? Lure it away? Yes, sir. I did a little digging, and the Everstream borders the ocean, right? So if we can lure Zora Magdaros out onto the open water... We can mitigate the blast. And the bioenergy released would start a whole new ecosystem in the ocean. Life would go on. Need I remind you, sir, that we're currently short on supplies from our attempt to capture it. And even if we had enough supplies, what kind of weapon could get that thing to change its course? Don't worry. I have a plan. A very big plan. Is that what I think it is? Oh, now we're talking. ओ भाई कुछ बड़ा कांड होने वाला है। क्या बड़ा कांड है, क्या संभाल के रखा है इसने भाई। शिप कैप्टन, यू श्योर टुक योर स्वीट टाइम गेटिंग हियर, बट वी आर हैप्पी यू मेड इट। हैप्पी टू बी हियर। आई ब्रॉट एवरीथिंग यू विल नीड, बैलिस्टा, cannon rounds, and a literal boatload of supplies. Not to mention a little surprise. The Guild supplied us with one hell of a ship. She's armed with the latest anti-elder dragon weapon, a Dragonator. Excellent. Just the weapon we need to drive Zora Magdaros out to sea. Hunters, it's time. Complete your preparations with speed, and make your way to the Everstream. I'll explain the details on site. We can do this. We must do this. May the Sapphire Star light our way. Now, get moving. Aye aye, Captain. Guys, आज का मिशन खेल के तो एकदम मजा ही आ गया। अब लगता है Zora के साथ बड़ा कांड होने वाला है। तो जो लोग नहीं समझे कि वो बकर बकर क्या कर रहे थे, मैं समझा देता हूँ। वो बड़ा ज्वालामुखी वाला Godzilla अगर एक स्पेसिफिक जगह पे फटा तो हम सब भी फट जाएंगे। तो हमको उसको इस जगह से, मतलब कि Everstream से दूर करना है ताकि हम सब ना फटे। समझ गए ना? ये था शॉर्ट में स्टोरी। और तो पीछे एक और अगर नजर डालो तो देखो ध्यान से, इतनी बड़ी शिप आ चुकी है यार। ये क्या चीज है यार, वो क्या शिप है। मतलब कि जब भी मैं ऐसे समुद्री शिप देखता हूँ ना, मेरे को वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला सीन याद आता है। और गाइज आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी, आज 12 तारीख है, हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा एक साल कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी एनिवर्सरी है गाइज। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मेरा कॉलेज और हमने भाई इस दिसंबर 12 के पहले ही हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। भाई मेरे को सच्ची में लगा भी नहीं था कि इतना हो पाएगा। थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट दिखाने के लिए।
और दूसरा रीजन ये है कि कल यानी कि 13 दिसंबर को तेरे भाई का बर्थडे है और तो और मेरे मम्मी का पापा की एनिवर्सरी भी है। यस, समय लेके पैदा हुआ हूँ भाई, ऐसे ही थोड़ी मैं आया हूँ। यस, मैंने एग्जैक्टली अपने बर्थडे के एक दिन पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था और भाई इट वॉज वर्थ इट। मैं बहुत खुश हूँ आज भाई, इतना अच्छी कम्युनिटी मेरे को मिली, मेरे को और नहीं चाहिए कुछ बस। थैंक यू वेरी मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मेरे एग्जाम का ये लफड़ा खत्म होगा मैं आपको तुरंत ही नोटिफाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज, लिटरली आई एम रियली ग्रेटफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूँ आरजे, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।